और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और ऐसे में राहुल गांधी के इस दौरे पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चुरा चांदपुर जाने के दौरान राहुल गांधी का काफिला रोक लिया गया। कांग्रेस ने इसमें बीजेपी का हाथ बताया। बीजेपी ने पलटवार भी किया। आइए देखते हैं। मणिपुर पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है और अब इस पर सियासत भी सुलगने लगी है। राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे पर भी सियासी बवाल मच गया। राहुल इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित इलाकों में से एक चुरा चांदपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हिंसा की आशंका देखते हुए विष्णुपुर में उनका काफिला रोक दिया। हालांकि बाद में राहुल हेलीकॉप्टर के जरिए चुरा चांदपुर पहुंचे और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को रोके जाने को मुद्दा बना दिया, बीजेपी पर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां एक नागरिक के तौर पर गए हैं, उनसे सरकार को क्या परेशानी। एक ही आदमी है जिसे डरते हैं, पूरी सरकार केंद्र सरकार डरती है, क्योंकि वो सच बात बोलते हैं, सच्चाई के रास्ते में चलते हैं और ये इसलिए डरते हैं। लोग दुखी हैं, डरे हुए हैं और राहुल जी जब वहाँ जा रहे हैं तो उसके काफिले को रोका जाना ये तो उचित नहीं है। उनसे क्या खतरा हो सकता है? एक नागरिक की हैसियत से जा रहे हैं और एक नागरिक से, सामान्य नागरिक से क्यों उसको परेशानी होना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दौरे पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि लोग सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी गलतियां क्यों की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विरोध होने पर विष्णुपुर में उनका काफिला रोका गया। राहुल गांधी के इस बर्ताव को संबित पात्रा ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यूटर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुरा चांदपुर जाते तो आज मणिपुर, आज जो टियर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इम्फाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। चांसेस कैन नॉट बी रूल आउट, चांसेस आर हाई बिकॉज मिसक्रेंट्स ऑन बोथ साइड्स वांट टू टेक, वांट टू हाईलाइट व्हाट एवर ग्रीवांसेस दे हैव बाय अटैकिंग द वीआईपी, स्पेशली व्हेन राहुल जी हैज लाइक फिगर, राहुल जी लाइक फिगर फ्रॉम द दिल्ली हैज कम डाउन हियर अलोंग विद लोकल एमएलएस। वी आर सिंपली ट्राइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सेफ्टी बाय नॉट अलाउइंग और क्रॉसिंग दिस पॉइंट, दैट्स इट। राहुल गांधी के दौरे पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसके बीच मणिपुर जल रहा है। यहां 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 65,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। इस दौरान आगजनी की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इस हिंसा पर काबू करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फेरबदल भी संभव है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की बैठक के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं। देखिए जरा। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल करने वाली है? ये सवाल पीएम मोदी के साथ हुई बड़ी बैठक के बाद उठ रहे हैं। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे।
ये माना जा रहा है कि बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संगठन में फेरबदल को लेकर मंथन के बाद पीएम मोदी के साथ ये बैठक हुई है। ऐसे में संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। पार्टी एमपी छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद कर चुकी है। हाल ही में पीएम मोदी ने भोपाल से हुंकार भरी थी। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिलासपुर में शंखनाद करने वाले हैं। पार्टी के दिग्गजों के एमपी छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे हो रहे हैं, यानी कि साफ है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। दिग्गजों के दौरों के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक से पहले भी बीजेपी ने मंथन किया था, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त करने सहित कई राज्य के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी की केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा हुई थी। और अब पीएम मोदी की इस बड़ी बैठक को बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य के चुनाव के साथ ही बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर भी है। चुनाव में सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए मोदी कैबिनेट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद इसकी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिपरिषद में फेरबदल और बीजेपी संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कुछ महीने का वक्त बचा है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव चला है, तो सियासत में उबाल आया। पार्टी के भीतर अंतर्कलह, अंतर्द्वंद्व और मनमुटाव को दूर करने की यह कोशिश मानी जा रही है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है, देखिए रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर समर्थकों का उमड़ा हुजूम और नारेबाजी, ये जोश है छत्तीसगढ़ के पहले डेप्यूटी सीएम बने टीएस सिंहदेव के अभिनंदन का। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, भूपेश सरकार में ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। चुनावी रणनीति बनी, साथ ही हुआ बड़ा फैसला। फैसला ये कि टीएस सिंहदेव प्रदेश के डेप्यूटी सीएम होंगे। इस फैसले के बाद सिंहदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आभार जताया। कहा, एक दिन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। हाईकमान ने जब भी जो जिम्मेदारी ली उसको निभाने की कोशिश की है। एक दिन की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और ये तो सतत जिम्मेदारी की क्रिया रहेगी। चुनाव से महज कुछ महीने पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया, भला बीजेपी कैसे चुप रह सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई नेताओं ने निशाना साधा। सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से दो महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय, अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। के लिए टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है। सियासी हलके में कयास लग रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी वजह अंदरूनी कलह और छत्तीसगढ़ में राजस्थान जैसे हालात को टालना है। जाहिर है सिंहदेव का नाम उछालकर बीजेपी अक्सर कांग्रेस के अंतर्द्वंद और कलह को दिखाने की कोशिश करती रही है। इसे अब खारिज ही समझा जाए। पायलट और को पायलट के साथ उड़ता कांग्रेस का चुनावी जेट, इसका मुकाबला बीजेपी कैसे कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या वाकई अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज वेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
चुनाव का वक्त है, लिहाजा पार्टियां बखूबी समझ रही हैं कि किस मुद्दे को उठाना है, कितनी उसे हवा देना है, कब कैसे उस पर प्रतिक्रिया देना है। तभी तो एमपी में इन दिनों स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर सियासत गर्म हो चली है। हालांकि स्कूली बच्चे वोटर तो नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हालिया के साथ साथ दूरगामी परिणाम के मद्देनजर दल अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अब स्कूली बच्चों को वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कहते हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर गीता, वेदों, रामायण का संदेश और समाज को ऊर्जा देने वाले ज्ञान को हम फिर से बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके तहत महापुरुषों भगवान परशुराम, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, वीर सावरकर के साथ ही अब्दुल कलाम और वैज्ञानिकों तक का जीवन पढ़ाया जाएगा। हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान था, उस ज्ञान को हम क्योंकि उसके आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाता था, इसलिए उस ज्ञान को फिर से हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से महापुरुषों के बारे में भी कहेंगे। हमने तय किया भगवान परशुराम का जीवन भी पढ़ाने वाले, बुद्ध का जीवन भी पढ़ाने वाले, महावीर का जीवन भी पढ़ाने वाले, गुरु गोविंद सिंह का जीवन भी पढ़ाने वाले, महाराणा प्रताप का जीवन भी पढ़ाने वाले, वीर सावरकर का भी जीवन भी पढ़ाने, बाद में स्वतंत्रता के बाद में जिन लोगों का योगदान रहा, डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं और हम एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इधर विपक्षी दल कांग्रेस जैसे ही पाठ्यक्रम में वीर सावरकर का नाम शामिल किए जाने की बात सुनती है, बौखला जाती है। कांग्रेस कह रही है कि अगर इतिहास पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाएं। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं पाठ्यक्रम में ये भी लिखा जाए कि सावरकर ने किस कारण से अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सरकार इसमें फैसला ले और सरकार पढ़ाए, पूरा इतिहास पढ़ाए, ताकि जो है हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, वो इतिहास को लेके गुमराह ना रहे। उसमें ये भी लिखा रहे कि किस कारण से उन्होंने माफ़ी मांगी थी। उसमें ये भी लिखा रहे कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। उसमें ये भी लिखा रहे कि उन्होंने जो है अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए कैंप लगाए। कोई दिक्कत नहीं है, जनता अगर छात्र लोग इतिहास का सच जानते हैं तो उन्हें पूरा सच दिखाया जाना चाहिए कि आधा सच और जो है एक चौथाई सच दिखाकर उनको भ्रामक जानकारी देने का क्या उचित है। आज़ादी का आंदोलन 40-50 साल चला है, 100 साल चला है, उस 100 साल के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है ये बताएं। वैसे पाठ्यक्रम को लेकर सियासत नई बात नहीं है, पहले भी इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आते रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल करने की बात जैसे ही कही, वैसे ही कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया। जाहिर है चुनावी साल में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वासु चौरे, न्यूज 18, भोपाल। 2023 में होने वाले चुनाव में सियासत का अंदाज बदला बदला सा नजर आने लगा है। 2018 के चुनाव में जहां घोषणाओं की जगह वचन और संकल्प ने ली थी, तो 5 साल के बाद इससे आगे बढ़कर गारंटी की बात होने लगी है। खास ये भी कि चुनावी सफर में कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी गारंटी नजर आ रही है। फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न करें, उक्त पंक्ति आप और हम में से कई लोगों ने दुकानों पर लिखी देखी ही है। लेकिन इससे उलट राजनीति की दुकान को चमकाने के वास्ते गारंटी देने की होड़ सी मच गई है। तभी तो कांग्रेस कर्नाटक की सफलता को एमपी में दोहराने के लिए जोर लगा रही है। इसी को नजर में रखते हुए कांग्रेस लेकर आई है एक नया कार्ड, जिसका नाम दिया गया है समृद्धि कार्ड। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर जनता से फॉर्म भरवाएंगे और 5 गारंटी वाला पोस्टर भी चस्पा करेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बताते हैं कि समृद्धि कार्ड के तहत 5 गारंटी मिलेगी, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस जिन 5 गारंटियों की बात कर रही है, उसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट हाफ, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और किसान कर्ज माफी शामिल है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने अभी तक के अपने सबसे महत्वाकांक्षी अभियान को लॉन्च करा है, मध्य प्रदेश समृद्धि कार्ड। मध्य प्रदेश समृद्धि कार्ड के माध्यम से हम हर घर के दरवाजे तक जाएंगे, हर घर पर दस्तक देंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और वहां तक जो कमलनाथ जी की 5 गारंटी है उनको पहुंचाने का काम करेंगे।
साथ में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान दे रहे हैं, उन वोटर्स को भी चिन्हित करा जाएगा। जो भी त्रुटियां वोटर लिस्ट में पाई जाती है उनको दूर करा जाएगा। फर्जी मतदाताओं का चिन्हांकित करा जाएगा। साथ में हम युवाओं से एक संपर्क भी साधेंगे। हालांकि कांग्रेस की गारंटी को लेकर बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, पूछ रही है पहले के वायदों का हुआ क्या। 15 महीनों की सरकार में कांग्रेस ने अपने कौन से वादे पूरे किए जो इस बार गारंटियों की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इसे लेकर निशाना साध रहे हैं, तो गृह मंत्री भी कांग्रेस को पुरानी गारंटी गिना रहे हैं। ये दो तरह की गारंटी है, इनकी कांग्रेस की गारंटी, चीन की गारंटी है, जैसे चीन के माल की गारंटी होती है ना, और दूसरी गारंटी है भारत के स्वाभिमान की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, वैश्विक नेता की गारंटी, ये देश जानता है अच्छी तरह। मैंने अभी उनकी गारंटी के बारे में बताया ना, वो पहले भी गारंटी दे चुके हैं, 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करने का, नौजवान को बेरोजगारी का, पेट्रोल के दाम कम करने का, ये कांग्रेस नहीं दी थी सब बातें। तो गारंटी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। हालांकि महिला सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने के बाद अब कांग्रेस सभी को साधने के लिए समृद्धि कार्ड ले आई है और लोगों के पास जाने की बात कहती है। साथ ही विधानसभा के आने वाले सत्र को लेकर भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बीजेपी ने भी अपने अंदाज में न केवल कांग्रेस को निशाना बनाया बल्कि अपनी भी गारंटियां गिरानी शुरू कर दी। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। इंदौर में गुंडे बदमाशों के डर से पलायन पर सरकार से लेकर पुलिस तक एक्शन में है। गृह मंत्री ने गुंडों को संभल जाने की चेतावनी दी डाली है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर में गुंडे बदमाशों से तंग आकर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगे। परिवार वालों ने कहा उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सरकार एक्शन में आ गई। सीएम शिवराज ने फौरन समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दिए जाने की बात कही है और गुंडे बदमाशों को सख्त चेतावनी भी दी है। बोले, संभल जाओ नहीं तो संभाल दिए जाओगे। हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी, वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए नहीं संभाल दिए जाएंगे। गुंडे बदमाशों के डर से पलायन के लिए मजबूर होने का ये मामला है इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ट्रेजर टाउन कॉलोनी का। यहाँ ईडब्ल्यूएस टावर में रहने वाले 25 परिवारों ने पलायन का ऐलान कर दिया। उनमें से कई परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए जिन पर लिखा था कि घर बिकाऊ है। इन पोस्टर में गुंडागर्दी, पुलिस पेट्रोलिंग ना होने जैसी कई बातें लिखी गई हैं, जो इंदौर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं और वे लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। क्या है, नशा बिकता है? नशा बिकता है, इसीलिए तो लाइटें बंद कर देते कि ये लोग दिखे नहीं कैमरे में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से पुलिस विभाग में बड़ी सोर चोरी कर दी गई है। दर्शन सिंह 12वीं वाहिनी के
की जिम्मेदारी दर्शन सिंह को सौंपी गई है। प्रशांत कतलम को भेजा गया, डीसी पटेल को एएसपी गरियाबंद की कमान सौंपी गई है। मधुलिका सिंह धमतरी एएसपी बनाई गई हैं। तो बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। जेपी बढ़ाई जो है उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है और 26 एएसपी का तबादला किया गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी, बड़ा फेरबदल हुआ है।